आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे द ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस 2021 BSX मॉडल। और आप देख सकते हैं इस बाइक में कार्बोरेटर बंद हो गया, फ्यूल इंजेक्टर आपको मिलता है एक 99 cc 100 cc की बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलता है। और इस बाइक की अगर ऑन रोड कॉस्टिंग की अपन बात करें तो ऑन रोड कॉस्ट करती है बाइक अपनी 76,000 ऑन रोड भोपाल। ये आप देख सकते हैं इसका रियर लुक सेम जब से स्प्लेंडर लॉन्च हुई तब से लेकर आज अभी तक वही जनरेशन फर्स्ट जनरेशन मॉडल इसका चल रहा है। वही स्क्वायर आपको पीछे टेल लैंप मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये अपना ग्रैब हैंडल पीछे का, ये सिंगल सीट, ये रहा इसका टैंक, ये इसका मीटर जिसमें आपको एक साइड फ्यूल इंडिकेटर मिलता है और एक साइड आपको स्पीडोमीटर मिलता है। ये रहा आपको स्विच गियर, इसमें आपको हॉर्न इंडिकेटर्स हाई बीम लो बीम पासिंग इसमें नहीं मिलता आपको। i3 की टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और ये रहा आपका सेल्फ स्टार्ट। i3 इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर बाइक आपकी न्यूट्रल में और गाड़ी अगर आपकी ऑन रहती है तो ऑटोमेटिक 4 to 5 seconds के बाद आपकी जो बाइक है वो इंजन उसका बंद हो जाएगा और जैसे आप क्लच को दबाएंगे तो आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये रहा इसका पूरा साइड लुक, या पूरा इसका फ्रंट लुक ले सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का। सेम वही आपको स्प्लेंडर प्लस मिलती है, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक देखने को मिलेंगे जिसमें पहले नहीं आते थे, ट्यूबलेस आपको इसमें टायर्स मिलेंगे, ये आपको इसमें रिफ्लेक्टर भी मिलेगा देखने को। कुछ इस टाइप से पूरा इसका सिस्टम जो है वो दिया गया है। 4 speed आपको इसमें गियर्स मिलते हैं ये हीरो के बैजिंग। और ये रहा इसका ब्लैक कलर विथ ब्लू एंड रेड ग्राफिक्स। इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले ये यहाँ तक आता था, ये जो टिप है ये इसकी एक्सटेंड करी गई है, ये आप इसके फुटपैक देख सकते हैं, ये भी एक्सटेंड करा है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसका जो इंजन का कलर है वो भी गन मेटल कलर में किया गया है। FI के आपको इसमें बैजिंग मिलती है, पावर स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट आपको मिलती है गाड़ी। सो आप ये पूरा एक लुक ले सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का। यहाँ पे आपको कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है और ये रहा इसका स्पार्क प्लग सेल्फ स्टार्ट। इस टाइप्स के आपको इसमें 2 keys देखने को मिलेंगे और इसमें साइड स्टैंड आपको इंडिकेटर मिलेगा और ट्रांसमिशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हाई बीम न्यूट्रल और i3s और सेंट, इस टाइप की आपको कीज मिलती है। और ये रहा इसका आपको बॉक्स जिसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है और टूल किट आपको मिलती है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स बात करें इसके टैंक की तो 11 लीटर्स का आपको इसमें टैंक देखने को मिलता है और जो बाइक का ओवरऑल जो वेट है वो आपको 110 kg पे मिलेगा आपको इसमें। अब सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो मैं आपको इसमें बैठ के बताता हूँ। इस साइड से कुछ लुक आता है बैठने पर और बहुत ही कम्फर्टेबल पोजिशन है बाइक में, ये आप देख सकते हैं। आराम से आप 2 pillion से अगर आप चाहें तो 2 बच्चों को बिठा सकते हैं और या फिर एक इनकी एज के अगर कोई मिलेंगे भाई जैसे, हाँ भाई, तो वो भी आराम से बैठ सकते। 2 pillion के लिए बढ़िया कंफर्ट अच्छा है बाइक में। और इसका लेग गार्ड और साड़ी गार्ड रहेगा, इस टाइप का आपको इसमें लेग गार्ड मिलता है हीरो की ब्रांडिंग। और ये कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए, हेलमेट ज़रूर पहने अपनी जब भी गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट ज़रूर पहने। और सो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में। सो फ्रेंड्स कैसा रहा आपका, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग बोल रहे थे स्प्लेंडर प्लस का आप सर आप रिव्यू करिए, तो ये रहा आपका रिव्यू ऑन डिमांड द देसी गाड़ी हीरो स्प्लेंडर प्लस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।